आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार पूरी की रेसिपी शेयर करूंगी, आम पूरी। इसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा और मैदा मिक्स करके लिया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदे या आटे से आप अपनी पूरी तैयार कर सकते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे कुछ सूखे मसाले लिए हैं, ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है, बस नमक स्वाद अनुसार, 1 चुटकी मिर्ची और 1 चुटकी हींग, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। साथ में मैंने 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। और यहाँ मैंने 1 आम का पल्प लिया है जिसको हम अपने आटे में मिक्स करेंगे, और फ्राई करने के लिए हम तेल या घी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं अपनी मज़ेदार और टेस्टी आम पूरी। हम अपने आटे में सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे, और इसी के साथ जो मैंगो का पल्प हमने लिया है वो हम ऐड करके इसको हम गूंदेंगे। पानी हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें लगे कि हमें ज़रूरत है, अगर हमको पानी की ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं करें, हम इसी के, क्योंकि पल्प काफ़ी गीला होता है तो उसी से हमारा आटा गूंद सकता है। हमारा आटा बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट आटा गूंदा हुआ है, और इसको अब हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, और फिर अपनी पूरियों को हम बेल के आपको शो करेंगे। आप इसको दही, अचार, चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। अपना वैल्यूएबल कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करें, और अब चलते हैं अपनी पूरी के नेक्स्ट स्टेप में। इस तरीके से भी हम हल्का हल्का तेल इसके ऊपर डाल सकते हैं, तो इससे क्या होता है पूरी फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। जैसे अब आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे से फूल गई है, क्योंकि अगर आप तेल को इस तरीके से इस पर स्प्लैटर करेंगे तो वो गरम तेल उसको फुला देता है। हमारी आम पूरी बिल्कुल तैयार है, आप इसको गर्मा गर्म खाइए और ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप एक बार ज़रूर इसको बनाकर देखिए, आपके घर में बच्चों को, आपको, सबको बहुत पसंद आएगी। और आपके अगर कोई और सजेशंस हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। मैं कुछ और नई रेसिपीज़ भी ट्राई करना चाहूँगी जो आप मुझे सजेस्ट करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।